ग्वालियर जिले के आवेउन पाटई क्षेत्र में उफनते नाले में 11 साल के नाबालिग किशोर की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मृतक किशोर मनीष जाटव बुधवार शाम को अपने दोस्तों के साथ नाले को देखने गया था। अब इसी दौरान उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते वो नाले में गिर गया। वह इस घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब 24 घंटे की सघन खोजबीन के बाद किशोर का शव स्टॉप डैम के पास नाले से लगभग 500 मीटर दूर बरामद किया गया। वहीं आवेउन पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कल ग्राम पाटई थाना आरोन में एक बच्चा मनीष पुत्र मनोज जाटव उम्र 11 साल थी, पानी में नाला चल रहा था तो उससे निकलते समय वो स्लिप हो गया और वह पानी में चला गया। रात को कल चार बजे से हम लोग को ढूंढा, एसटीएफ टीम भी आ गई थी, टीम ने रात भर ढूंढा लेकिन सफलता नहीं मिली। आज सुबह फिर पुनः ढूंढा तो बालक आगे बने हुए कम से 500 मीटर दूर बने हुए स्टॉप डैम में नीचे फंसा हुआ मिला, जिसका शव निकाल दिया।